हमारे मुंबई दर्शन का पहला दिन है और हम गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए आए हैं। मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, जब हमारा मुंबई फायर ब्रिगेड के साथ 3 महीने का अटैचमेंट चलता था, लेकिन इस बार हम पूरी फैमिली गेटवे ऑफ इंडिया देखने आए हैं। मुंबई देखने आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए छुट्टी के दिन समय बिताने के लिए एक अच्छा पिकनिक स्थल है। मुंबई आने वाला कोई भी व्यक्ति गेटवे ऑफ इंडिया देखने आना नहीं भूलता है। चलिए आज आपको गेटवे ऑफ इंडिया की सैर कराते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया वह जगह है जहां से भारत को आजादी मिलने के बाद ब्रिटिश सेना वापस गई थी। यह स्मारक अरब सागर से होकर आने वाली जहाजों के लिए भारत का द्वार कहलाता है। सबसे पहले हम देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहां है। गेटवे ऑफ इंडिया की लोकेशन के बारे में बताए तो यह दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र में अरब सागर तट पर स्थित है। इस स्मारक को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है और यह शहर का शीर्ष पर्यटक आकर्षण है। यहां रोजाना देश और विदेशों से हजारों पर्यटक गेटवे ऑफ इंडिया देखने आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट अपोजिट साइड में ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल है, जो 1903 में जमशेदजी टाटा द्वारा बनाया गया था। उसी के करीब मराठाओं के गौरव मराठा राजे श्री छत्रपति शिवाजी राजे का एक पुतला है, जिसे 1961 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी के पीतल के पुतले को हटाकर लगाया गया था। प्रवेश द्वार के इलाके में दूसरी मूर्ति स्वामी विवेकानंद जी की है, जो एक भारतीय संत हैं, जिन्हें पश्चिम के देशों में वेदांत और योग जैसे भारतीय दर्शन की शुरुआत करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में श्रेय दिया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के चारों ओर 5 जेटियां हैं। पहली जेटी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए एक्सक्लूसिव जेटी है, जबकि दूसरी और तीसरी जेटी वाणिज्यिक नौक संचालन के लिए उपयोग में लाई जाती है। चौथी जेटी बंद है और 5वीं जेटी रॉयल बॉम्बे यॉट क्लब के लिए विशिष्ट जेटी है। दूसरी और तीसरी जेटी पर्यटकों के लिए एलिफेंटा गुफाओं तक पहुंचने का शुरुआती बिंदु है, जो स्मारक से नाव द्वारा 50 मिनट की दूरी पर है। गेटवे ऑफ इंडिया से आप अन्य ठिकानों पर जा सकते हैं, जैसे कि सेकी रिवास, मांडवा और अलीबाग आदि जगह पर के लिए फेरी की सेवाएं आप ले सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से क्रूज भी संचालित होते हैं। कथित तौर पर इन जेटियों पर दैनिक यात्रियों का अधिक भार होता है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जहाजों को गेटवे का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देता है, जबकि महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करता है। गेटवे ऑफ इंडिया का इतिहास काफी रोचक है। गेटवे ऑफ इंडिया का इतिहास कुछ इस तरह से बताया जाता है। 1911 में जब किंग जॉर्ज वी और उनकी रानी मेरी भारत आने वाले थे, उस उपलक्ष्य में उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाने की योजना बनाई गई थी, पर जब दोनों इंडिया आए तब तक ये स्मारक बन नहीं पाया था। 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क ने गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी और 31 मार्च 1914 को वास्तुकार जॉर्ज बिटेट द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का अंतिम डिजाइन प्रस्तुत किया गया था। जॉर्ज बिटेट द्वारा प्रस्तुत संरचना रोमन ट्रायंफल आर्च और गुजरात की 16वीं शताब्दी की वास्तुकला के तत्वों को मिलाकर बनाई गई थी, लेकिन वास्तव में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1920 में शुरू हुआ था, जो 4 वर्षों बाद अर्थात 1924 में बनकर पूरा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया को 4 दिसंबर 1924 को वायसराय एयर ऑफ रीडिंग ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था और उसी दिन यह लोगों के लिए खोला गया था। 26 मीटर ऊंचा गेटवे ऑफ इंडिया बनाने के लिए पीले बेसाल्ट पत्थर और रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का उपयोग किया गया है। माना जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 8 मंजिला इमारत के बराबर है। स्मारक के उपयोग में लाए गए पीले बेसाल्ट पत्थर स्थानीय पहाड़ों से लाए गए थे, जबकि छिद्रित जालियों को ग्वालियर से लाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के केंद्रीय गुंबद का व्यास 48 फीट है। यह कहा जाता है कि उस समय गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में कुल 21 लाख रुपए का खर्च आया था। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलना। इस वीडियो पर कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।